अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं छुप। सफेद शर्ट, चेहरे पर चश्मा और हाथ में डंडा लिए एक शख्स बाइक सवार को पीट रहा है। आप देख रहे हैं यह वीडियो और इस वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक बाबू साहेब हाथ में डंडा लिए एक शख्स को बाइक सवार को पीट रहा है। साथ में पुलिस वाले भी खड़े हैं। तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल इस तरह से पीटने का अधिकार आखिर किसे मिला है और किसे नहीं मिला है, इस पर हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े लोगों पर कानून का कोई असर नहीं? एसडीएम साहब अनुमंडल के अधिकारी, उनका कार्य है अपने क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था को चाक चौबंद रखना। जी हाँ, और इसके लिए अगर आप युवा हैं तो युवा सोच भी होगी, दृढ़ इच्छा शक्ति भी होगी और अनुमंडल का सही विकास के रास्ते पर ले जाने की तमन्ना लिए आप सड़कों पर भी उतरेंगे। लेकिन ये क्या? जी हाँ, ये और कोई नहीं, छपरा के लठमार एसडीएम साहब हैं जिनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बाइक सवारों पर लाठी लेकर टूट पड़ते हैं, एक दो नहीं दे दनादन लाठी बरसाते हैं। बाइक सवारों की गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया। आपको बता दें, हेलमेट न लगाने का जुर्म है और MBI एक्ट के तहत उन पर जुर्माना किया जाता है। लाठी डंडे बरसाने का नियम और कायदा कहां से आ गया, यह तो हमारे समझ से भी परे है। और SDM साहब बिहार के सुशासन बाबू के राज में कानून का पालन कुछ इस तरह कराएंगे, यह देखकर लोग हैरतअंगेज हैं। आज का सवाल, क्या SDM या DSP को इस तरह कानून हाथ में लेकर डंडा चलाना चाहिए? सवाल का जवाब कुछ इस तरह है। ए, बिल्कुल भी नहीं, कानून सबके लिए एक समान है। बी, सबक सिखाने के लिए यह भी जरूरी है। सी, कुछ कह नहीं सकते। अपना जवाब, अपना राय जरूर दीजिए ताकि हम खबरों को लेकर आपके सामने निष्पक्ष रूप से आ सकें। युवा पीढ़ी को हिदायत दे रहे हैं बड़े बुजुर्ग के बचवा थोड़ा संभल के, अगर बाइक लेके जाइए तो थोड़ा संभल के हेलमेट जरूर पहन लिया, नहीं तो SDM साहब लठमार SDM साहब के लाठी के डंडा बरसी हैं और घर में माई सरसों तेल लगाई हैं। समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब है कि SDM लठमार SDM साहब मिल गए तो लाठी डंडा बरसा देंगे और फिर घर आओगे तो माई जो है देखेगा कि देह चेहरा पर शरीर पर चोट है तो सरसों तेल घसेंगे, मालिश करेंगे। तो ये सब से बचने के लिए हेलमेट जरूर पहनिए। हेलमेट का डर होना भी चाहिए। हेलमेट जहाँ आपकी सुरक्षा को चाक चौबंद करता है, बेहतर बनाता है, वहीं आपको ज़िंदगी और मौत के बीच एक फर्क भी लाता है, तो आपको हेलमेट का धारण करना चाहिए। लेकिन हेलमेट पहनने के लिए और उस अनिवार्यता को समझाने के लिए SDM साहब को लठ उठाना पड़ जाए तो आप क्या कहेंगे? SDM साहब ने खुद हाथ में लठ लिए हुए हैं और दे दनादन बरसा रहे हैं। बता दें कि यह वीडियो तेज़ी से वायरल होती है। पुलिसकर्मी दोनों को रोकते हैं, बाइक सवार जो युवक गुजर रहा है उनको रोकते हैं। SDM साहब आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, हेलमेट कहाँ है, और फिर वह पीटना शुरू कर देते हैं। इस मामले में जब SDM योगेंद्र कुमार से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। जाहिर सी बात है, कुछ कहने के लिए उनके पास शब्द भी शायद नहीं है। अब यहाँ हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि शायद कानून के संगत से यह उचित नहीं है कि आप किसी को हेलमेट न पहनने के एवज में लाठी और डंडों से पिटाई कर दें। SDM योगेंद्र कुमार का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सशस्त्र सेना दिवस की संध्या पर उन्होंने एक सुरीले अंदाज में गाना भी गाया था और वो भी खूब वायरल हुआ था। बहरहाल आपको बता दें कि गोपालगंज में भी महिला DSP ज्योति कुमारी के कुछ कम चर्चे नहीं है। बता दें, गोपालगंज में वाहन चेकिंग के दौरान DSP हेडक्वार्टर ज्योति कुमारी ने बाइक सवार को थप्पड़ जड़ दिया। जी हाँ, और दूसरे बाइक वाले पर तो DSP ज्योति कुमारी के डंडे भी बरसाई गई। DSP के चाटा मारने का वीडियो सामने आया था और खूब यह भी चर्चा बढ़ा। यानी अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आप कानून को अपने हाथ में लेंगे या तो समझ से पड़े, लेकिन अगर कोई कानून को तोड़ रहा है तो विधि सम्मत कार्रवाई जरूरी है।
अगर कोई हेलमेट नहीं पहना है तो उसे समझाया जाना चाहिए और हेलमेट न पहनने के एवज में कानूनन जुर्माना ठोका जाना चाहिए। वहीं अगर कोई रूल तोड़ता है तो उनके जो MBI एक्ट हैं, कानून है, उसके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए। एक अपराधी की तरह उनको ट्रीट किया जाए, उन पर लाठी डंडे बरसा दिए जाएं, चांटे मार दिए जाएं, निश्चित रूप से यह युवा दिल को नहीं भाता है। और कानून तोड़ना युवा दिल को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आप युवा हैं, समझदार हैं, तो कम से कम कानून का पालन कीजिए ताकि ऐसी स्थिति ना बने, ऐसे DM, SDM और ऐसे DSP से आपका पाला ना पड़े। कम से कम कानून का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के वाक्य का आप शिकार नहीं होंगे। और चलते चलते आज का सवाल, क्या SDM या DSP को इस तरह कानून हाथ में लेकर डंडा चलाना चाहिए? सवाल का जवाब कुछ इस तरह है। ए, बिल्कुल भी नहीं, कानून सबके लिए एक समान है। बी, सबक सिखाने के लिए यह भी जरूरी है। सी, कुछ कह नहीं सकते। अपना जवाब, अपना राय जरूर दीजिए ताकि हम खबरों को लेकर आपके सामने निष्पक्ष रूप से आ सके। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।